ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आया हुआ हूँ ऋषिकेश, और आज यहाँ पर भ्रमण करेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे। और हम सबसे पहले आपको चल करके गंगा जी के दर्शन करवाते हैं। हमारे साथ में आए हुए हैं स्वामी जी कर्नाटक से। हरिओम। स्वामी जी आए हुए हैं कर्नाटक से, इनको यहाँ पर ऋषिकेश में आज भ्रमण कराएंगे। तो चलते हैं भ्रमण करने के लिए, ऋषिकेश दर्शन करने के लिए, देखते हैं कितने मंदिर हो जाते हैं क्या। यहाँ पर हम रुके हुए थे रामानंद आश्रम के पास में, और रामानंद आश्रम जो पड़ता है यहाँ त्रिवेणी घाट के पास में ही पड़ता है। ये है माया कुंड स्वामी रामानंद गली 2। और जैसे ही आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ गंगा जी के दर्शन होंगे। ये है रामानंद आश्रम। ये वाला आश्रम है रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। सामने ही गंगा जी हैं। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ।
अभी हम यहाँ ऋषिकेश में थे और यहाँ लक्ष्मण झूला के पास में 12 मंजिला और 13 मंजिला मंदिर है, जो यहाँ पहले थे कैलाशानंद सरस्वती जी महाराज और उनका कैलाशानंद ट्रस्ट मिशन है, तो उसके अंतर्गत बनाया गया था। तो ये पूरी तरह से अब धीरे धीरे खंडहर में बदलता जा रहा है, क्योंकि अब इसका कोई मेंटेनेंस करने वाला है नहीं। तो मुझे पुजारी ने बताया कि अभी इसका जो है कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि जो बाबा थे वो तो 2010 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और फिर उनका जो भतीजा था और उनके जो ट्रस्ट थे दोनों में झगड़ा हो गया और कोर्ट में केस गया। तो अभी तक 2016 में केस गया था और अभी 2024 होने वाला है, अभी तक पूरा केस पेंडिंग पड़ा हुआ, कोई भी डिसीजन नहीं आया। और ये पूरा मंदिर, इतने बड़े बड़े 13 मंजिला 12 मंजिला जो मंदिर है, ये धीरे धीरे अभी खंडहर होता जा रहा है। चारों तरफ धूली धूल यहाँ पे बिछी हुई है, कोई भी यहाँ झाड़ू भी लगाने वाला नहीं है। हम आपको दर्शन कराते हैं कैलाशानंद सरस्वती जी के, जिनके जाने के बाद में इनका ये आश्रम धीरे धीरे खंडहर होता जा रहा है। ये 108 स्वामी कैलाशानंद सरस्वती जी, और इन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तब ये पूरा मंदिर खंडहर होता जा रहा है। तो बाबा ने मेहनत तो किया इतना सारा बनाने के लिए, लेकिन संभालने के लिए कोई इन्होंने टेंशन नहीं लिया। कुछ चले गए, अब यहाँ पे झगड़ा हो रहा है ट्रस्ट में। अब इसके आगे मंदिर बंद कर दिया गया है, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करके वापस चलते हैं।